का चुलबुला अंदाज। आंचल के बिंदास मिजाज, किरदार कई लेकिन एक कलाकार। कभी वशमा बनी तो कभी बनी बैरिस्टर बाबू, और अब जी रही है परिणीत की जिंदगी। सास बहू और बेटियां, आज आपको मिला रहा है आंचल साहू से, जो रियल लाइफ में बहुत नटखट हैं। बचपना इनके दिल से गया नहीं, अभी भी दूध पीते वक्त बड़े ही गौर से शिनचैन देखती हैं, वो भी विदाउट डिस्टर्बेंस। खाना ना खाने पर मम्मी से डांट भी खाती है। और डांस वो तो इनके रग रग में बहता है। तो आइए शुरू करते हैं आंचल साहू संग डे आउट, जहां वो अपना घर घुमाएंगी, खुले मैदान में टहलने जाएंगी। अपने करियर का सफरनामा बताएंगी, सेट की सैर कराएंगी और मेकअप शेकअप कर आंचल साहू से परिणीत बन जाएंगी। और इस डे आउट की शुरुआत हुई है उनके घर की घंटी बजाकर, कहकर उन्हें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सास बहू बेटिया, पहुंच गया है साहू हाउस में। और साहू हाउस में कौन है, कौन रहता है, ये हम आपको आज मिलवाएंगे। और शी इज हियर। हाय हाय, नमस्कार, सुस्वागतम, गुड मॉर्निंग। तो आंचल इज हियर। आंचल, गुड मॉर्निंग। सो मैं हूँ आंचल साहू, आप सबकी प्यारी परिणीत। और आज सास बहू और बेटियाँ मेरे घर पे आई है, और बिल्कुल सही टाइम पे, अभी जस्ट मैं बाहर वॉक के लिए जाने वाली थी। तो चलिए कुछ गपशप करते हैं साथ में। आंचल साहू चलना बहुत पसंद करती हैं, जब भी इन्हें वक्त मिलता है वो अपने घर के मैदान में टहलने जाती हैं। और आज इनके साथ टहलने निकल पड़ा है सास बहू और बेटियाँ भी। जनरली यही होता है, बहुत कम टाइम मिलता है, तो आज मेरा कॉल टाइम थोड़ा लेट था, तो मैंने सोचा कि जाके वॉक कर लेते हैं, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, जो कि मैं बहुत कम करती हूँ। सो लेट्स गो। सो मेरे घर के सामने ही एक ब्यूटीफुल सा पार्क है, जहाँ पे पूरा नेचर आपको दिखता है। और अभी तो बारिश का मौसम है, तो एकदम सब ग्रीन ग्रीन हो चुका है। सो कम। यस, सो इट्स द ब्यूटीफुल पार्क। चलिए थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है, हम इतना पूरा टाइम शूट करते रहते हैं, तो मुझे नेचर के साथ बहुत कम टाइम मिलता है, जबकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाहर आए, यू नो, फ्री एयर में सांस लीजिए, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ टू। सो मॉर्निंग वॉक एंड नाइट वॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं नाइट वॉक में जाती हूँ अपनी मम्मा के साथ, मॉर्निंग वॉक कभी कभी मिस हो जाता है, बिकॉज हम कभी कभी लेट घर आते हैं, सुबह सुबह जल्दी कॉल टाइम होता है। तो जब भी मुझे टाइम होता है, आई मेक श्योर कि मैं आऊँ और थोड़ा वॉक कर लूँ। सो यस। तो चलिए मैं फटाफट वॉक कर लेती हूँ, फिर हम घर जाके और बातें करेंगे। डन, चलो। सुबह की शुद्ध हवा लेने के बाद आंचल पहुंच गई अपने घर, जहां उन्होंने ना सिर्फ अपनी मम्मी से मिलाया बल्कि अपने घर की सैर भी कराई, और साथ ही अपने आप को रिचार्ज करने के लिए किया डांस भी, क्योंकि आंचल डांस की दीवानी है। Thank you.
हमारे घर पे पहुंच चुके हैं, तो मेरे घर की जो जेम्स बॉन्ड है, जो हमारे घर की सबसे इम्पॉर्टेंट मेम्बर है, दैट्स माई मम्मा, जो मेरे से पहले उठती है, मेरे बाद सोती है, तो मेरे लाइफ में वो जो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, दैट्स माई मम्मा. सो आते हैं, मिलते हैं मम्मा से. मम्मा, सो शी इज़ अ मम्मा. देखो अब भी वो किचन में ही है, मेरे लिए कुछ ना कुछ बना ही रहे हैं, बिकॉज अब आज मम्मा मेरे साथ नहीं आएंगे, तो उन्होंने मुझे भर पेट खाना दिया है कि मैं कुछ खाऊं. और कल ही मुझे मम्मी से एक चांटा पड़ा था बिकॉज मैंने खाना नहीं खाया. कल जो मार खाई आंचलना पूछो मत. मतलब खाने के लिए इतना परेशान करती है ना, टिफिन रिटर्न लेके आती है रोज, कितना अच्छा बना के दो ना, रिटर्न टिफिन आना ही है. अब मम्मी स्टार्ट हो जाएंगी कंप्लेन करना, खत्म नहीं होंगे आंचल के. खाने के लिए उसको हमेशा चूजी है, बहुत खाने के लिए बहुत चूजी है, उसका जितना मन वही खाएगी, वरना उसके सिवा कुछ नहीं खाने वाली हो. माच्छा छोड़ो करके फिश करी, दैट्स फिश करी. और बस नॉनवेज थोड़ा खाती है, और वेजिटेबल सब खाती है. आई एम अ गुड गर्ल, मैं बस कभी कभी मुझे भूख नहीं लगती. सो यस, तो चलिए अभी हम चलते हैं. दिस इज़ माई प्यारा सा हाउस. मतलब ये घर को प्रॉपर डेकोरेट करने में, सब चीज़ें एकदम प्रॉपर रखने में मेरी मम्मी और मेरी दीदी का हाथ है. मैंने इसमें कुछ भी अपना इनपुट नहीं दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो सब जो छोटे बच्चे हों रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता है. मम्मा है, दीदी है, पापा है, वो कर लेंगे. सो या, सो ये सबसे मेरा फेवरेट कॉर्नर. मैं पूरा दिन यहीं पर पड़ी रहती हूँ, या तो मेरे बेडरूम में पड़ी रहती हूँ. हाँ, ये मुझे मेरे जो वेल विशर्स हैं उन्होंने सेंड किया था, वेरी प्रिटी, मेरे नाम से. और भी है जो मैंने ऊपर लगाए हुए हैं, और दैट्स अ मिरर जिसमें मेरा रिफ्लेक्शन है, पर अभी इसकी बैटरी थोड़ी सी चली गई है. सो या, और वो एक है. वो ट्रॉफी एक्चुअली मेरी सिस्टर की है, उन्हें 10th में 96% आए थे, तो उन्हें ट्रॉफी मिली थी. मुझे भी 94 आए थे, पर मुझे कोई ट्रॉफी नहीं मिली, बिकॉज हमारे टाइम पे कोविड आ गया था, तो हमें अलाउ ही नहीं था स्कूल वूल जाना एंड ऑल. सो या, एक छोटू सा सब छोटे छोटे शो पीसेस रखे हैं, जैसे कि बुद्धा जी, फ्लावर पॉट, गणपति जी, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ. सो एज आई सेड कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है, तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम अभी बचा है, तो आई डांस, तो मेरा मॉर्निंग वर्कआउट हो जाएगा. ये रोज़ नहीं कर पाती हूँ मैं, लेकिन जब भी टाइम मिलता है, अब डांस तो आप कब भी कर सकते हो, तो जब भी टाइम मिलता है, सेट पे टाइम मिलता है, घर पे टाइम मिलता है, तो हमारे तो शो में कभी कभी डांस सीक्वेंसेस भी होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है. बीच में हम अभी एक शो में गए थे जिसमें हम डांस रिहर्सल्स कर रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, उसमें बहुत अच्छा लगा था मुझे. सो डांस जब मैं करती हूँ ना, मैं ऐसे इंटरनली से हैप्पी हो जाती हूँ. सुबह मुझे कुछ खाना पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं, मैं सिर्फ दूध पी के घर से निकलती हूँ, फिर डायरेक्ट मैं खाना खाती हूँ दोपहर का, और मम्मी ने थोड़ा बहुत जो भी दिया होगा, मंचीज या जो भी, वो बीच बीच में खाती रहती हूँ. सो अभी मैं दूध को गर्म करती हूँ, मम्मी ने सब तैयारी करके रखी है, मुझे सिर्फ गर्म करके मग में डालना है और कुछ नहीं. ऐसे तो आई लव कुकिंग, मुझे कुक करना बहुत पसंद है, पर मुझे टाइम कम मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक के आती हूँ, और मम्मा मुझे कुछ करने भी नहीं देते, बिकॉज एक बार जब मैंने ब्लंडर कर दिया था कुकिंग में, उसके बाद मम्मा मुझ पर बिलीव ही नहीं करते. पर आई लव कुकिंग, मतलब ऐसे बीच में कुछ कुछ बनाती रहती हूँ, जब मम्मा को रेस्ट चाहिए होता है कभी कभी, तो आई कुक थोड़ा बहुत कुछ भी मम्मा के हेल्प से. मम्मा ऐसे बोलेंगे इसमें ऐसा डालना वैसा डालना, मैंने कहा ओके, फिर मैं डालने लगती हूँ. पर मैं मैगी अलग तरीके से बहुत अच्छे से बना सकती हूँ, लाइक द चीज़ प्रॉपर मैगी, एकदम जो एकदम अनहेल्दी जंकी वाला होता है, जिससे सबको पसंद होता है, वो मुझे भी पसंद है. आंचल भले ही खाना बनाने में एक्सपर्ट ना हो, लेकिन बच्चों की तरह टकटकी लगाए शिनचैन देखने में खूब एक्सपर्ट हैं.
सुबह जैसे सबको आदत होती है कुछ खाते वक्त, मैं तो यही डिसाइड करती हूँ तो मुझे क्या देखना है, लेकिन एक चीज़ जो कॉन्स्टेंट रहती है दैट्स शिनचैन। मुझे कुछ नहीं समझ आता, मैं शिनचैन देखने लगती हूँ एंड ट्रस्ट मी मुझे इतना पसंद है, मैं देख के हंसती रहती हूँ और बाहर से मेरी मम्मा चिल्लाती कि क्यों इतना हंस रही है, क्योंकि सबको पता है मैं शिनचैन देख रही हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे घर पे सब भी देखते हैं, बैठ के देखते हैं और सब इंजॉय भी करते हैं शिनचैन देखना, तो आई लव शिनचैन। अब बारी है सेट पर जाने की। जाने से पहले आंचल की मम्मी लेकर आ गई खाने की टोकरी और की सास बहू और बेटियां से आंचल की शिकायत कि आंचल खाना खाने में करती हैं आनाकानी। ऐसी खो जाती है ना, खाना लेना, टिफिन लेना, कुछ नहीं, जबरदस्ती उसको भर के देना पड़ता है। तो आज के आज मतलब डे का पूरा फुल प्रिपरेशन, पूरा लंच से ब्रेकफास्ट से लेकर क्रंच से जो मंच वगैरह बोलते हैं कुछ भी, वो सब साफ सब चीज सेटल करके देना पड़ता है और फिर भी सब टिफिन रिटर्न आएगा, वो अभी वही है। अब मम्मी को बोलने का मौका मिला तो वो सिर्फ कंप्लेन्स ही करेंगी। सो यस, लेट्स सी क्या है आज, बिकॉज आज हमारी शिफ्ट एक्सटेंड हो गई है एंड हम थोड़ा सा आज नाइट शिफ्ट भी करने वाले, तो मम्मी ने आज थोड़ा बहुत दिया है खाना। सो ये मेरे गिल्टी प्लेजर्स है, जो भी चिप्स विप्स मैं खाती रहती हूँ। सो ये है और इसमें है कुछ टोस्ट है शायद, है खारी है नाश्ते के लिए, बिकॉज मैं सेट का खाना नहीं खाती हूँ, मैं घर का ही खाती हूँ, मुझे जमता नहीं है बाहर का खाना। एंड इस पर कुछ अगेन भेल टाइप्स मम्मी ने बना के दिया है, आलू भुजिया एंड समथिंग। अगर कभी आपको मैं गोलू दिखूँ तो उसका रीज़न मम्मी है, मैं मेरी गलती है ही नहीं, इतना सब देंगी तो मैं मुझे कैसे नहीं, मैं एक्चुअली ये सबको देती भी हूँ सेट पर, अगर मुझे पता चला कि मैं नहीं खा पा रही हूँ और मम्मी मुझे आने के बाद चिल्लाने वाली तो मैं सबको बांट देती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स है। सो यस, ऐसे मम्मियों को पता होता है बैलेंस करना, अगर अनहेल्दी चीज़ें हैं तो हेल्दी चीज़ें भी वो दे ही देती है। और इसमें प्रॉपर मेरा खाना है जो हॉटपॉट टिफिन है, दैट नॉट ओपन, वो मतलब खराब हो जाएगा। सो इसमें प्रॉपर दाल राइस और सब्जी है। सो यस, और इसमें कुछ और है, बिस्किट्स है और चॉकलेट्स भी है इसमें, ये रहा। दो तीन ही है, मतलब मैं ज़्यादा लेके नहीं जाती हूँ, बिकॉज अगर मुझे पता है मेरे पास है तो मैं खाऊंगी, तो मैं कम ही लेके जाती हूँ बस, और कुछ नहीं है। यस, हाँ शूट। सो मेरा बास्केट रेडी है, बैग रेडी है, अब हम चलते हैं वरना हमें लेट हो जाएगा। चलो से निकलने से पहले आंचल भगवान के आगे माथा टेकना कभी नहीं भूलती। भगवान के आगे हाथ जोड़कर की प्रार्थना और फिर मम्मी का आशीर्वाद लेकर वो निकल पड़ी घर से सेट की ओर। ये टाइम मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है, जो सुबह मैं 5 मिनट आके भगवान के सामने मत्था टेकती हूँ, विच इज फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम में मेरी जितनी भी तकलीफें हैं मेरी सारी चली जाती है। सो या, तो मैं घर से निकलने से पहले जरूर आके मत्था टेकती हूँ। घर से सेट तक पहुंचने में आंचल को लगता है करीब 1 घंटा। इस 1 घंटे में हमने आंचल से की ढेर सारी बातें, जहां उन्होंने बताया कि वो 6-7 साल की उम्र से ही ऑडिशन दे रही हैं। उन्होंने 1000 में मेरी बहना है, बेगूसराय और मेरी दुर्गा जैसे सीरियल्स में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड फिल्म मर्दानी 2 में भी इन्होंने कैमियो रोल किया है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं इनका सफरनामा। तो आंचल के साथ हम निकल पड़े हैं आंचल के सफर में, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र होता है घर से सेट तक का सफ़र। तो आज हम आंचल से ये भी जानेंगे कि उनका सफ़र, करियर का सफ़र कैसे शुरू हुआ था। तो आंचल जी, कैसे स्टार्ट की पूरी ये जर्नी? अरे बाबा, बहुत ही अच्छा, लोगों को लगता है कि मुझे काफ़ी यंग एज में थोड़ा बहुत जितना भी सक्सेस मिल गया, बट आई डोंट थिंक सो, सम पीपल नो कि मैं 6-7 साल से आई हैव स्टार्टेड एक्टिंग। सो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मुझे इतना सक्सेस नहीं मिला, मतलब इतना रिकग्निशन नहीं मिला।
सो मतलब बहुत रिजेक्शंस मिले, मतलब मैंने टन्स ऑफ ऑडिशंस दिए होंगे बट कुछ नहीं हुआ, मतलब ये हो गया. और एंड आई वॉज लाइक मैं अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी, तो मेरे पापा ये कहते थे कि अगर वो अपने एकेडमिक्स में अच्छी है तो फिर लेट हर डू इट, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ वैसे भी नहीं हो रहा है. सो हर बार कोई ऑडिशन में जाती थी स्कूल छुट्टी करके और वहाँ पे भी कुछ नहीं होता था. सो एक पॉइंट के बाद हमारा ऐसा था कि, तो मैंने बीच में ऑन ऑफ करती थी मैं, मतलब कभी किया नहीं किया. सो फाइनली व्हेन आई गॉट क्यों था दिल छोड़ा, सो इट वॉज लाइक व्हाट. सो दैट शो इज़ वेरी स्पेशल टू मी एंड था आई एल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू शशि मैम एंड सुमित सर, जिन्होंने मुझे पहचान दी इंडस्ट्री में एंड देन उन्होंने मुझे बैरिस्टर में भी मौका दिया काम करने का. एंड नाउ आई एम डूइंग परिणीति एंड आई एम सो सो थैंकफुल टू एकता मैम टू. सो या ये थी मेरी छोटी सी जर्नी एंड जिसपे बहुत बड़ा रोल है मेरी मम्मा का. मतलब अगर मम्मा नहीं मुझे पुश करती तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती कुछ भी. सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मम्मा. आफ्टर टेंथ मतलब वो तो पूरा मतलब 2020 तो मतलब ऐसा निकला है सबको ही पता है. तो हम घर पे थे एंड घर से ही वी यूज टू गिव ऑडिशंस एंड ऑल. और मेरे लिए ज़्यादा अच्छा था बिकॉज जाके ऑडिशंस देना फिर वहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा टीडियस हो जाता था. तो हम घर से ऑडिशंस देते थे एंड क्यों थे दिल छोड़ा है के लिए मुझे एक बिट आया था कि ये करना है आपको. और मम्मा इज़ लाइक चलो जाते आने का, कहते मैंने कहा मम्मी करके चले जाते. फिर अब मैंने ऐसे ही दे दिया था घर से ऑडिशन एंड देन मुझे नेक्स्ट डे कॉल आया कि आपको मॉक टेस्ट के लिए आना है. और मॉक टेस्ट मॉक शूट ये सब चीज़ें मैंने कभी मेरी लाइफ में सुनी ही नहीं. तो इट्स लाइक मम्मा क्या हो रहा है ये वो बट थैंक गॉड मतलब आई क्रैक थिंग्स एंड आई गॉट माय फर्स्ट एवर ब्रेक. ये देखो मैंने यहाँ पे अपना ब्लैंकेट अपना तकिया सब चीज़ें रेडी करके रखी है. मैं सो जाती हूँ पूरा बिकॉज मेरे घर से लेके सेट थोड़ा सा दूर है, लाइक इट टेक्स 1 hour 45 minutes कभी कभी 1 hour 30 minutes कभी कभी. तो मैं सो जाती हूँ वैसे ही, मुझे नींद आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, मुझे वैसे ही नींद बहुत कम मिलती है तो आई स्लीप जब भी मुझे टाइम मिलता है. सो अभी थोड़ा सफ़र और बाकी है तो हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सो जाते हैं. सो यस. बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहा और हम पहुंच गए परिणीत के सेट पर, जहां आंचल सेट घुमाते हुए हमें लेकर गई अपने मेकअप रूम में. उस मेकअप रूम में जहां वो आंचल से बन जाती है परिणीत. फाइनली हम पहुंच गए हैं. फाइनली हम पहुंच गए और आज हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला बिकॉज आज रविवार है और आज छुट्टी का दिन है. और हम आज भी काम कर रहे हैं, लाइफ ऑफ एन एक्टर. हमारा सेट हम क्रॉस करके हमारा मेकअप रूम होता है. सो पहले हम हमारे सेट पे जाएंगे, हम सेट देख लेते हैं. सो दिस इज़ बाजवा हाउस और यहाँ पे ही शायद फर्स्ट सीन है हमारा, तो यहाँ पे सब अभी बंद है. बट या ये देखो इट्स ऑल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, टीवी पे बहुत बड़ा दिखता है. दिस इज़ द रूम, राजीव रूम, जहाँ पे हमने सारे झगड़े रोने धोने हंसी वाले सीन्स किए हैं. ये ऐसे स्पेयर रूम है, जैसे कभी मिशिका का रूम हो गया तो ऐसे कभी कोई ऐसे रूम्स रहते तो यहाँ पे बन सकता है. 2 मिनट में सेट चेंज हो सके, 2 मिनट में आज ये आपको ये दूसरा रूम लगे कल कोई दूसरा ही रूम होगा. सो दिस इज़ माई मेकअप रूम. दैट्स परिणीत आंचल साहू. कम अभी एक्चुअली हमें रूम्स अलॉट हुए हैं और मैंने ज़्यादा कुछ डेकोरेट कुछ किया नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी नाइस एंड गुड. सो या दिस इज़ माई मेकअप रूम, जो सुबह दिन रात हम यहीं रहते हैं. एंड या अब हम तैयार होंगे थोड़ी देर में. आते ही मुझे बंडल ऑफ स्क्रिप्ट्स मिल जाती है दिन भर का एंड कभी कभी ऐसा होता है कि तभी तभी सीन आता है एंड यू हैव हैवी लाइन्स हैवी डायलॉग्स और आपको तभी तभी वो समझ के लर्न करके आपको एक्ट करना होता है. सो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है बट या यू हैव टू गो थ्रू इट. सो यहाँ पे वी हैव गॉट अ स्क्रिप्ट, अब मैं थोड़ा सा इसे रीड करूँगी एंड देन हम मेकअप करेंगे, हेयर करेंगे और फिर हम सेट पर जाएंगे. ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा लुक होता है. जैसे कि आपको पता है परिणीति इज़ वेरी सिंपल, तो वेरी मिनिमल एंड लाइट बेस्ड होता है. वो अभी हम दादा से पूछेंगे एंड दीदी बताएंगे. दीदी बताओ कैसा होता है एंड मैं आपको कैसी लगती हूँ, हाउ एम आई? अच्छे लगते हो बट पर थोड़ा सा परेशान करते हो. खूब खोटे बोलता है, ये दोनों मुझे बहुत परेशान करते, त्रास देते रहते पूरा दिन मुझे, आके टचअप करना ये करना वो करना. हाँ मैं बोल रही थी माझा नाव आंचला है, मी परिणीत प्ले करते, हे दोगी मला खूप त्रास देतात.
हाथ तला देता था मला. दीदी माझी मराठी कशी आहे? छान बोलते. हा छान बोलते. मी मराठी खूप छान बोलते. मला मराठी सहसा यांना मराठीच बोलते. मी हिंदी मध्ये यांना कधी बोलत नाही. हो हो हो. आम्ही दोघी मराठीत वार्तालाप करतात. दादा दादा नाही बोलत, दादा हिंदी मध्ये बोलतात. दादा हिंदी मध्येच बोलतात बस. वो भी कुंडली भाग्य की बीजी बन चुकी है. नहीं मैंने डिच नहीं किया. तुम लोग मुझको भूल गए. नहीं नहीं मुझे बरनाला में छोड़ के तू चंडीगढ़ आ गई. हाँ वो थोड़ा सा आपको मी टाइम दिया मैंने बरनाला में. तो मैंने बोला चलो अभी मैं थोड़ी देर के लिए अर्जुन की दादी बनती हूँ. लुकिंग सो गुड. आपके खुले बाल है उसमें. उफ उफ एकदम न्यू मॉडर्न दादी. मॉडर्न दादी जो मेरा नेचुरल लुक है. आई मीन थोड़ा ज्यादा मॉडर्न है उधर बट ठीक है. सो सबको बताओ मैं कितनी ज्यादा प्यारी हूँ. बहुत प्यारी है. बहुत प्यारी है बच्ची. आई मिस हर लाइक हेल. एंड सारे लोग जो मुझसे मिलते हैं बोलते हैं परिणीति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है. राजी को वापस जाना चाहिए. कैसे छोड़ सकता है उसके लिए. बेचारी प्यारी सी इतनी लड़की है. सबका यही है. सो बहुत जल्द मैं जवाब दूंगी गाइस. डोंट वरी. एवरीवन इज वांटिंग हर टू गो बैक. फाइनली क्या होता है पता नहीं. गो बैक टू हर बीजी. यस गो बैक टू बीजी आल्सो. एग्जैक्टली मैं आधे घंटे में एकदम रेडी हो जाती हूँ. मुझे वैसे ही मेरा मेकअप बहुत कम होता है. दादा बोलते हैं कि सबसे कम मेकअप तुझ पे ही यूज़ होता है. सो यार ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में मैं आई एम ऑल रेडी. ऐसे कुछ जैसे फंक्शन हुआ, जैसे अभी अभी फंक्शन आ रहा है तो थोड़ा सा हम हैवी करते हैं मेकअप, बाकी कुछ नहीं. वो पहली बार परिणीत हैवी मेकअप कर रही है सो राजीव मेस्मराइज हो जाते हैं. वो सब वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा. सो आई एम ऑल रेडी. मेरा मेकअप हेयर हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 20 मिनट लगे तैयार होने में. बहुत नेचुरल सा एकदम मिनिमल सा मेकअप होता है. ज़्यादा कुछ होता भी नहीं. और टू बी रियली ऑनेस्ट सुबह एक बार मेरा मेकअप हो जाता है फिर दिन भर मेरा ध्यान भी नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं. सो ये मेरा आज का कॉस्ट्यूम है. सो यस ये एकदम ये पहन के आई विल फील लाइक अ पीच बिकॉज एकदम प्रॉपर पीच कलर है. एंड हमारी ज्वेलरी भी वहाँ रखी है. दिस इज़ माई ज्वेलरी जिसमें परिणीत का मंगलसूत्र है, एक इयररिंग और उसका चूड़ा. दैट्स इट. और कुछ होता भी नहीं है. सो यार मैं अभी जल्दी से चेंज करती हूँ फिर हम मिलते हैं. आंचल मेकअप कर परिणीत के कपड़े पहन ढल गई है परिणीत के किरदार में और परिणीत बन लगा रही है जोरदार ठुमके. मैं पूरी तरह से परिणीत बन चुकी हूँ. सो आपने मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा लाइक आंचल से परिणीत. और जब पता नहीं मैं परिणीत बन जाती हूँ ना मेरे आवाज़ में भी वो स्वीटनेस एंड वो सब आ जाती है बिकॉज आई कैन फील द कैरेक्टर नाउ. और बहुत जैसे आपने देखा बहुत मिनिमल सा मेकअप होता है, बहुत सिंपल सा लुक है एंड आई रियली लव दिस लुक ऑफ हर्स. एंड मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ यार. मैं कभी मुझे भी ऐसे तैयार होना चाहिए. काफ़ी प्रिटी लगती हूँ मैं इसमें शायद. सो यस अब हम जाएंगे सेट पे बिकॉज हमारा बुलावा आ गया है.
हस्ती मजाक तो हो गया, अब बारी है काम शुरू करने की, जहां आंचल ने अपने सीन की शूटिंग की और इसी सीन के साथ हो गया आंचल का ब्रेक टाइम। और मम्मी की डांट से बचने के लिए उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली और अपना मन पसंदीदा खाना खा लिया। सो अभी हमारा ब्रेक टाइम हो चुका है और अब हमारे खाने के पिटारे में से कुछ खोलेंगे जो मम्मा ने इतने प्यार से हमारे लिए भेजा है। सो लेट्स सी क्या है इसमें। वैसे तो मुझे इतना कुछ खाने का दिल करता नहीं, लेकिन जैसे आपने देखा कि मम्मी ने मुझे चांटे मारे थे बिकॉज मैंने खाना नहीं खाया था, तो आज मुझे खाना खाना पड़ेगा। सो इसमें से आज हम कुछ हेल्दी अभी खाएंगे। वील हैव ड्राई फ्रूट्स बिकॉज अभी मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। सोया और क्या है, वेफर्स खा सकते हैं हम। तो आज हम चीट करेंगे, मम्मी पक्का ही वीडियो देखेगी, पर कोई बात नहीं, चीट कर लेंगे। आज हम खाने की जगह पे ये खाएंगे। इसी के साथ पूरा हो गया सास बहू और बेटियां संग आंचल साहू का ये स्वीट सा डे आउट। उम्मीद करते हैं आंचल का ये चुलबुला अंदाज देखकर आप सभी को खूब अच्छा लगा होगा। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नाउ ऑलमोस्ट आवर डे हैज कम टू एन एंड और मुझे बहुत मजा आया सास बहू और बेटिया के साथ ये सेगमेंट करके। मैंने बहुत मस्ती की, बहुत डांस किया, मैंने एक्सरसाइज भी किया। आपने देखा मम्मी ने मुझे बहुत डांट भी लगाई, मतलब ऐसे उन्होंने चांटे मारे मुझे क्यों मैंने खाना नहीं खाया। और आज भी मैंने चीट किया है, पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, पर आप ऐसा मत करना। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नाउ आई विल टेक अ लीव एंड आई होप आपने ये इन्जॉय किया। बस आप ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।